बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वंडरवाल इक्वेशन। इसका एक पार्ट पहले मेरे चैनल पे मौजूद है, पार्ट वन। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इस पार्ट टू पर आइएगा, चूँकि ये दोनों पार्ट इंटरकनेक्टेड हैं। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जी, इसमें हम बात करेंगे सम ईटा और एम डी कैट एम सी क्यूज बेस्ड ऑन वंडरवाल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फॉर ए एंड बी। ए एंड बी वंडरवाल कांस्टेंट है स्टूडेंट, जो इंडिकेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, ए का यूनिट कैसे निकालना है इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करता हूँ। वो प्रेशर जो अट्रैक्शन की वजह से कम होता है वो बराबर होता है ए इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। स्टूडेंट, वी स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ए किसके बराबर हो गया? ए बराबर हो गया पी प्राइम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। स्टूडेंट, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, तो वॉल्यूम का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मोल का यूनिट होता है मोल, तो मोल का स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो पर मोल स्क्वायर। ए का यूनिट हो सकता है एटीएम डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। लेकिन अगर स्टूडेंट हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना चाहें, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम का स्क्वायर है तो मीटर क्यूब का स्क्वायर। और मोल का यूनिट वही है एन टू पर मोल स्क्वायर। अब सुन, याद रखना मीटर क्यूब को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब की पावर टू है तो ये मीटर सिक्स हो जाएगा। अब ये सिक्स में से टू मीटर टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा न्यूटन मीटर फोर पर मोल स्क्वायर। ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ए का यूनिट है और ये कई बार आपका एमसीक्यूज आ चुका है। अब स्टूडेंट आमतौर पर कंफ्यूज होता है कि ये मीटर फोर किस तरह आया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको डिराइव करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम के अंदर जहां पे हम न्यूटन के बजाय डाइन यूज करते हैं तो फिर मीटर के बजाय सेंटीमीटर यूज करते हैं, यानी सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम जो होता है उसमें यूनिट बनेगा डायन, न्यूटन की जगह डायन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, डायन मीटर फोर पर मोल स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट होता है किसका? ए का स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं बी के बारे में, बात करते हैं बी क्या है। बी एक मालिक्यूल का वॉल्यूम है, याद रखना बी एक मालिक्यूल का वॉल्यूम है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे मालिक्यूल हों तो टोटल मालिक्यूल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मालिक्यूल, उनको अगर हम मोल में ले लें तो इससे एक मालिक्यूल का वॉल्यूम बनेगा। यानी बी बेसिकल होती है, बी बेसिकली होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ आर मालिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल। नंबर ऑफ मालिक्यूल का मोल में लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? बी इक्वल टू वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, नीचे मोल है पर मोल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी, हमारे पास एक वॉल्यूम था जो वॉल्यूम करेक्शन हमने की थी। तो स्टूडेंट देखना, तो हमारे पास बी के साथ ये माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, इसका मोल तो माइनस है पर मोल, ऐसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये वाला तरीका है। अब सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब नहीं होता यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब पर मोल। सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये हमारे पास ए और बी के यूनिट हैं, इन सबको आपने मेमोराइज करना है, याद करना है या ट्रिक्स से सीखना है, ये आपके वहाँ पर क्या होंगे, यूज़ होंगे। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट जी, सिग्निफिकेंस ऑफ जी। स्टूडेंट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंडिकेट करता है डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की दो मैथमेटिकल फॉर्म होती हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी बराबर होता है पी वी डिवाइड बाय आर टी, या जी बराबर होता है रियल वॉल्यूम, यानी प्रैक्टिकल जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं किसी गैस का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल, यानी जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। ये प्रैक्टिकल वॉल्यूम है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वॉल्यूम है। वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल, ये इससे भी हमारे पास जी आता है, यानी रियल वॉल्यूम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं।
डिटरमिन करते हैं, और वारी में आइडियली जो हम आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो इससे इसकी रेशियो भी किसके बराबर होती है, जी के बराबर होती है। तो जी हमें गैस की आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट अगर हमारे पास जी की वैल्यू 1 हो तो गैस आइडियल होगी, अगर गैस नॉन आइडियल हुई तो उसका बिहेवियर आइडियल होगा। दो बातें हो सकती हैं याद रखना, व्हेन जी इज इक्वल टू 1 आइदर गैस इज आइडियल आर रियल गैस विद 0% विद 0 डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो गैस आइडियल बिहेवियर से कोई डेविएशन नहीं करेगी। इस तरह स्टूडेंट जब जी की वैल्यू 1 नहीं होगी तो गैस नॉन आइडियल होगी, अब वो डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो करेगी ये जी इंडिकेट करेगा। जितनी 1 से जी की वैल्यू दूर होगी दोनों साइड पे, 1 से ज्यादा और 1 से कम, जितनी 1 से दूर होगी उतनी गैस नॉन आइडियल होगी। अगर जी की वैल्यू लेस देन 1 हो तो गैस नेगेटिव डेविएशन शो करेगी और गैस में अट्रैक्शन डोमिनेंट फोर्स होगी, और गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो प्रैक्टिकल वॉल्यूम होगा, वो कैलकुलेटेड वॉल्यूम से कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट अगर जी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव डेविएशन, गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, प्रैक्टिकल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन। इसी तरह स्टूडेंट इस केस में जब जी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट होती है, गैस मॉलिक्यूल के दरमियान रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट होती है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंडीशंस हैं। जनरली लो प्रेशर पे, यहां पे जरा ग्राफ देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, जी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। लो प्रेशर पे हमारे पास नेगेटिव डेविएशन है, जब प्रेशर हाई होता जाएगा तो डेविएशन क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। जो जो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो डेविएशन ज्यादा होती जाएगी याद रखना। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास हाई प्रेशर पे कौन सी डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है। हमारे पास लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन गैसेस शो करती हैं, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो पॉजिटिव डेविएशन ही शो करती हैं। स्टूडेंट याद रखना टेम्परेचर बढ़ने के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन कम होती है, वो नेगेटिव डेविएशन वो भी कम होगी, पॉजिटिव डेविएशन वो भी कम होगी। पिछले मैंने सेशन के अंदर ग्राफ बनाया था जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर मैंने दिखाए थे, उसमें जब टेम्परेचर ज्यादा था तो कम डेविएशन थी। अगर हम दो टेम्परेचर पे एक गैस का ग्राफ बनाए, लेट्स सपोज स्टूडेंट ये मेरे पास आइडियल गैस का बिहेवियर है, ये जी है, ये प्रेशर है, जब टेम्परेचर कम होगा तो इस तरह की डेविएशन होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस तरह की डेविएशन होगी। ये T2 है, ये T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो याद रखना टेम्परेचर कम और ज्यादा होने से नेचर ऑफ डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से डेविएशन का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, जबकि प्रेशर के साथ जनरली लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन और हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन होती है। सुन आपका एक एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं इसी से रिलेटेड, फिर मैं कुछ और बातें करूंगा। हमारे पास एक एमसीक्यू है कि वी हैव फोर गैसेस ए बी सी डी, वैल्यू ऑफ जी इज गिवन अगेंस्ट ईच गैस, हर गैस के अगेंस्ट उसकी जी की वैल्यू दी हुई है, ए की 1.4 है, बी की 1.7 है, सी की 0.5 है, डी की 0.2 है। अब स्टूडेंट हमसे सवाल यह पूछा गया है ऑर्डर ऑफ डेविएशन बता दो और ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बता दो। स्टूडेंट याद रखना अब 1 से जितनी ज्यादा, 1 से जितना ज्यादा फर्क होगा उतनी डेविएशन होगी, तो 0.4 का 1 से कितना फर्क है, 1.4 का कितना फर्क है 1 से, 0.4, 1.7 का कितना फर्क है 0.7, 0.5 का 1 से कितना फर्क है 0.5, और स्टूडेंट 0.2 का कितना फर्क है 0.8। ऑर्डर ऑफ डेविएशन बता दो, किसकी डेविएशन सबसे ज्यादा है, जिसका 1 से फर्क ज्यादा है तो किसका फर्क ज्यादा है, डी का, तो डेविएशन का ऑर्डर क्या होगा, डी शो मोर डेविएशन देन बी विच शो मोर डेविएशन देन सी विच शो मोर डेविएशन देन व्हाट ए, जितना एस है ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी डेविएशन ज्यादा होगी, ये एक ट्रिक है स्टूडेंट। लेकिन याद रखना अट्रैक्शन और चीज है, कहते अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी, याद रखना जब जी की वैल्यू 1 से कम होगी
जितनी कम होगी उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब वन से कम देखनी है, अब देखें दो की वैल्यू वन से कम है, सी की और डी की, जिसकी ज्यादा कम होगी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो डी की अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, सी से। अब स्टूडेंट वन से जब ज्यादा की बात करेंगे, वन के जितने करीब होगी उतनी रिपल्शन कम होगी, वन से जितनी ज्यादा दूर होगी रिपल्शन ज्यादा होगी, ज्यादा रिपल्शन कम अट्रैक्शन मतलब। अब स्टूडेंट देखना यहां पे हमारे पास 1.7 है, यहां पे 1.4 है, तो इन दोनों में रिपल्शन डोमिनेंट है। किस में रिपल्शन ज्यादा है, जो वन से ऊपर की तरफ ज्यादा दूर है तो उसमें रिपल्शन अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन मतलब कम है, तो फिर इनमें से निस्बतन इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है और सबसे कम अट्रैक्शन इसमें है, तो अट्रैक्शन का आर्डर क्या बना, डी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सी व्हिच इज ग्रेटर देन ए व्हिच इज ग्रेटर देन बी। अब सुन दो डिफरेंट हमारे पास आर्डर है, इस पॉइंट को आपने समझना है कि हमारे पास डेविएशन आर्डर और चीज है और हमारे पास अट्रैक्शन आर्डर और चीज है। अट्रैक्शन में यह आपको बताता चलूं, जब वन से वैल्यू कम होगी अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी, जब वन से वैल्यू ज्यादा होगी रिपल्शन डोमिनेंट हुआ करेगी, तो इस बेस पे आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा एक एमसीक्यूज था स्टूडेंट, इसकी कुछ और ट्रिक्स पे भी बात करता हूं। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन और वंडरवाल इक्वेशन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, वंडरवाल इक्वेशन से रिलेटेड हमारे एक पार्ट पहले भी आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है, अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो उस पार्ट को भी आपने लाजमी देखना है, मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक भी पहुंचाना है। स्टूडेंट कुछ और बात करता हूं, स्टूडेंट बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वंडरवाल इक्वेशन एट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन पे वंडरवाल इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। जब स्टूडेंट लो प्रेशर होते हैं तो लो प्रेशर पे आपको पता है कि हमारे पास जी की वैल्यू वन से कम होती है, तो लो प्रेशर पे वंडरवाल इक्वेशन की क्या फॉर्म हो सकती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए डिवाइड बाई वी, यानी पी वी डिवाइड बाई आर टी या आइडियल है जब वन होते हैं तो इससे कम है तो माइनस ए डिवाइड बाई वी ये होगा। अब स्टूडेंट अगर इधर भी आर टी से इधर भी आर टी से इधर भी आर टी से डिवाइड कर दूं, पी वी डिवाइड बाई आर टी क्या होता है, जी होता है, आर टी डिवाइड बाई आर टी वन हो जाएगा तो माइनस ए डिवाइड बाई आर टी इंटू वी, यानी लो प्रेशर पे जी की ये वैल्यू होती है। ये इक्वेशन वंडरवाल इक्वेशन से ही डिराइव होकर आई हुई है, लेकिन चूंकि हमने इक्वेशन डिराइव यहाँ पे डिराइव नहीं करनी होती इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी, लो प्रेशर पे वंडरवाल इक्वेशन की ये फॉर्म प्रिवेल करेगी। अब सुन जब प्रेशर हाई होता है तो आप देखते हैं डेविएशन जो होती है पॉजिटिव डेविएशन होती है, तो हाई प्रेशर पे वंडरवाल इक्वेशन की जो फॉर्म प्रिवेल करेगी वो ये होगी, पी वी इजिकल टू आर टी प्लस पी बी, पी वी इजिकल टू आर टी प्लस पी बी। अब स्टूडेंट जी के हिसाब से अगर मैं लिखूं इधर भी आर टी इधर भी आर टी इधर भी आर टी से डिवाइड करूंगा तो पी वी डिवाइड बाई आर टी जी हो जाएगा, आर टी डिवाइड बाई आर टी वन हो जाएगा प्लस पी बी डिवाइड बाई आर टी। तो जब हमारे पास प्रेशर हाई होता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू वन से ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है, वन प्लस दिस थिंग। स्टूडेंट याद रखना एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे हमारे पास जो वंडरवाल इक्वेशन होती है उसके ए और बी जीरो हो जाते हैं, जब ए और बी जीरो हो जाएं तो फिर क्या हो जाता है, पी वी इक्वल टू आर टी बन जाता है, या इसको आप आर टी से डिवाइड करें इसको भी आर टी से डिवाइड करें, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही लो प्रेशर पे तो स्टूडेंट हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो स्टूडेंट याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वंडरवाल इक्वेशन हमेशा लो प्रेशर या हाई प्रेशर हो इस फॉर्म में प्रिवेल करेगी, पी वी इजिकल टू आर टी प्लस पी बी, अगर जी के हिसाब से लिखें जी इक्वल टू वन प्लस पी बी डिवाइड बाई आर टी। ये इक्वेशन हम इस तरह हासिल करते हैं कि सबको आर टी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन थी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, कुछ एक दो एमसीक्यूज आपको और साल भी कराऊंगा। स्टूडेंट याद रखना वंडरवाल इक्वेशन काफी काफी सारे टेम्परेचर प्रेशर रेंज पे रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो प्रेशर बहुत ही हाई हो तो फिर वंडरवाल इक्वेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ कॉन्साइड नहीं करते, इसलिए वंडरवाल इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट ने 1899 के अंदर, उसका नाम है ड्यूट्रेसी। ड्यूट्रेसी इक्वेशन क्या है, ड्यूट्रेसी इक्वेशन है जो अभी तक वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, दैट इज पी एन टू वी माइनस बी आर टी मैथमेटिकल फंक्शन ई रेज द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टी वी। इस इक्वेशन के अंदर ए और बी एग्जैक्टली वही हैं
जो वंडरवाल इक्वेशन में थे, यानी ये वंडरवाल कांस्टेंट है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था डिटेल ऑफ वंडरवाल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको दो एमसीक्यूज सॉल्व करके आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा वो भी आपने लाजमी देखना है। स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। एट एस टी पी वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज मेजर्ड टू बी 25 लीटर। एस टी पी के ऊपर एक मोल गैस का वॉल्यूम मेजर किया गया कितना, 25 लीटर। गैस शो व्हाट डेविएशन एंड आल्सो नेचर ऑफ फोर्स इन द गैस मॉलिक्यूल। गैस कौन सी डेविएशन शो करती है और उसमें नेचर ऑफ फोर्स क्या है। स्टूडेंट याद रखना ये जो हमें वॉल्यूम दिया गया है ये रियल वॉल्यूम है, जबकि आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। ज़रा गौर करना, एट एस टी पी वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, एस टी पी पे आइडियल गैस में एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट, 22.4। तो मेजर कितना किया गया है, 25। तो जी की वैल्यू फाइंड करें, वी रियल 25 है, वी आइडियल कितना है, 22.4। तो स्टूडेंट देखना यहाँ पे नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। जब जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए तो कौन सी डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आउट हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन है, जब भी पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादा होगी, याद रखना जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगी तो रिपल्शन डोमिनेंट फोर्सेस होंगी, चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से तो रिपल्शन डोमिनेंट होंगी, अट्रैक्शन कम होंगी। तो यहाँ पे आ जाएं, पॉजिटिव डेविएशन अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, नहीं जी, यहाँ पे आ जाएं, पॉजिटिव डेविएशन अट्रैक्शन इज स्मॉलर देन रिपल्शन। तो ये स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन, और ऐसे एमसीक्यूज को मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट नहीं कर सकता, वो कैलकुलेशनों में पड़ा होता है, यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल हुई है। फिर स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज है, इन वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वंडरवाल इक्वेशन है, उसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल किसके बराबर होती है। तो स्टूडेंट मैं आपको सिंपल बताऊं, अट्रैक्शन वो होती है जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, यानी प्रेशर विच इज रिड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन, वो बेसिकली पूछा हुआ है। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होती है उस प्रेशर के जो अट्रैक्शन की वजह से कम हो चुका होता है, पी प्राइम जिसे हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये तो सारी नहीं कम, ये तो सारी अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन तो इस फैक्ट ये फैक्टर शो करता है। इसमें भी यही बात है, ये दिया हुई सी वाला ऑप्शन दिया हुआ गलत है, ए वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, वंडरवाल इक्वेशन एंड रिलेटेड टेक्निकलिटीज। इसके दो पार्ट हैं, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, पार्ट वन और ये वाला पार्ट टू है, तो आपने इन दोनों को मिलाकर देख के स्टूडेंट फीडबैक अपना लाजमी देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मेरे चैनल को और दोस्तों तक भी पहुंचाना। घरों में रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।